नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे देश और प्रदेश की बड़ी खबरों से। थाना लोनी बॉर्डर और एसपी ग्रामीण टीम द्वारा पूर्व में गौकशी करने वाले बदमाशों द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से गोली मारकर गंभीर रूप से घायल करने वाले वांछित बदमाश पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुए। प्राप्त जानकारी के अनुसार लोनी क्षेत्राधिकारी रजनीश कुमार उपाध्याय ने बताया कि थाना लोनी बॉर्डर पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्ति को मूवी मैजिक रोड के पास चेकिंग के दौरान रोका था, तो वहीं दोनों व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल को तेज गति से पीछे मोड़कर पुलिस पर फायर करते हुए भागने लगे, जिस पर थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा अपने साहस का परिचय देते हुए बदमाश की घेराबंदी की गई। बदमाशों के द्वारा पुलिस को लक्ष्य करके जान से मारने की नीयत से फायर किया गया था। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश की पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया और दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। पूछताछ में पकड़े गए बदमाशों ने अपना नाम अमित पुत्र नौरंगी लाल निवासी ग्राम दिनौद गेट भिवानी हरियाणा बताया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना लोनी बॉर्डर एवं एसपी ग्रामीण महोदय की एसओजी टीम के द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक वाहन पर दो संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा जब रोकने का प्रयास किया गया वो काफ़ी तेज़ी से भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा जब पीछा किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायर रोक दिया। पुलिस टीम ने तत्काल इसकी सूचना आगे लालबाग चौकी और थाना लोनी को देते हुए घेराबंदी की। उसी दौरान पुलिस टीम द्वारा आगे से घिरता हुआ देख करके बाइक सवार बदमाश बाइक से गिर गया और उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा बदमाश रात्रि का फायदा उठाते हुए जंगल के रास्ते भागने में सफल हुआ। गाजियाबाद के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लोनी में कई इलाकों का दौरा किया और लोगों की समस्याओं को सुना, तो वहीं इस दौरान अधिकारियों द्वारा लोगों को धमकाने से विधायक नंदकिशोर गुर्जर नाराज हो गए और मौके पर ही अधिकारी को फटकार लगाई और उन्हें मौके से वापस भेज दिया। आपको बता दें कि लोनी इलाके की कुछ कॉलोनियों में पिछले काफी समय से पानी की निकास न होने के कारण लोगों के मकानों में पानी भरा हुआ था, जिसके कारण कुछ लोगों ने अपने मकानों के बाहर पलायन करना का पोस्टर लगा रखे थे, जिसकी जानकारी लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को मिले, तो वहीं नंदकिशोर गुर्जर लोनी एसटीएम और लोनी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को साथ लेकर कॉलोनियों का निरीक्षण करने पहुंचे। वहां पहुंचकर विधायक नंदकिशोर गुर्जर लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान लोनी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने विधायक से पानी की निकासी की शिकायत कर रहे एक व्यक्ति को धमका दिया, जिसे की दिलवाने के लिए नंदकिशोर गुर्जर आग बबूला हो गया। उन्होंने लोनी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई। जनता सामने सब लोग बता रहे नहीं है, केवल प्रमाण आपके सामने, तो मैं कहाँ पहुँचाऊँ ये भी आपको जानकारी है। पूरा वहाँ से लेकर के पुस्ता से लेकर के चौकी से लेकर के ये कई वार्ड हैं, ये पानी में डूबे बुरी तरह हैं। इस बार बारिश बिल्कुल नहीं हुई है, उसके बावजूद भी अभी 15 दिन पहले ये जो नगर पालिका की लापरवाही घोर लापरवाही है उसके कारण यह सारा बंद कर दिया गया पानी, और ये हमारा शंकर जी का मंदिर शिवलिंग भी गंदे पानी में डूब गया। ये लोगों में आक्रोश था और लोगों ने कई सरकार के विरोध में यहाँ पोस्टर लगाए थे। ये सब लोग जितने भी लोग हैं यहाँ रहने वाले सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। तो एक बड़ी खबर सामने आई, जो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी भरा पत्र सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि यूपी पुलिस के सामने एक चिट्ठी आई थी जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की बात कही गई। ये चिट्ठी देवेंद्र तिवारी को मिली है। देवेंद्र तिवारी को भी बम से उड़ाने की धमकी उसमें दी गई है। स्वतंत्रता दिवस के समारोह से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ पर बम हमले की धमकी को सुरक्षा एजेंसियां गंभीरता से ले रही हैं और जांच शुरू कर दी गई है। लोगों की माने तो अवैध बूचड़ खाने के खिलाफ पीआईएल से जुड़ा मामले को लेकर ये धमकी दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर आलमबाग थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। सर क्या मतलब जो एक जानकारी मिल रही है कि एक लड़का भी यहाँ से जो है रेफर हुआ है कहीं के लिए, क्या क्या है वो भी मामला, उसके बारे में भी छानबीन की जा रही है। पता चला है शायद यहाँ पर कुछ उसके बारे में पता किया जा रहा है, जैसा पता चलेगा उसके साथ पता मैं तो कहा सर सब लड़के घर से बरामद हुआ है। हाँ
सर कितनी उम्र होगी दोनों की? 16-17 साल उम्र बताइए। इंटर के दोनों छात्र हैं। लड़के की कैसी स्थिति है सर? ये अभी कोई पता नहीं। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की मुश्किलें यूपी में बढ़ती हुई दिख रही हैं। गुरुवार को फिल्म रिलीज होते ही जगह जगह इसका विरोध भी शुरू हो गया। वाराणसी और गोरखपुर में हिंदुवादी संगठनों ने सिनेमाघरों के सामने प्रदर्शन किया। फिल्म के पोस्टर भी फाड़ दिए गए। आजादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 20 में कांग्रेस द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। किराड़ी जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में आयोजित की गई तिरंगा यात्रा, बड़ी संख्या में इसमें कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। ध्वजारोहण के बाद रोहिणी सेक्टर 20 के विभिन्न गलियों से तिरंगा यात्रा होती हुई निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस ने मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। देश की आजादी के 75वें वर्षगांठ मना रहे हर कोई इस जश्न में सराबोर नजर आ रहा है। तो इसी के मद्देनजर अब देश भर में अलग अलग हिस्सों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी फहरिस्त में कांग्रेस द्वारा शनिवार को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। किराड़ी जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में आयोजित इस तिरंगा यात्रा में पूर्व विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व सांसद उदित राज, किराड़ी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। देखिए, तिरंगा यात्रा ये वो यात्रा है जो पूरे देश को एकता के माला में पिरोता है। जिस तरीके से आपने देखा कि जद्दोजहद करी कांग्रेस ने और पूरे मुल्क ने देश को आज़ाद कराने में, उसी की एक मुहिम ये है कि लोगों में एकता का संदेश जाए। जिस तरीके से सरकार और उसके जितने भी दल हैं या उसके भी जितने भी साथी हैं, जिन्होंने देश को तोड़ने की कोशिश करी, जिन्होंने देश को अलग अलग उसमें घृणा में पैदा करने की कोशिश करी, वो नाकाबिले माफ़ी है। कांग्रेस पार्टी सबको जोड़ कर रखती है। जिस तरीके से आपने देखा कि 52 साल जिन्होंने अपने यहाँ तिरंगा नहीं फहराया, वो आज तिरंगे की बात करते हैं। देखिए, जैसा आप जान रहे हैं कि आज लगभग 75 साल पहले आज से हमें आज़ादी प्राप्त हुई, और आज हम 75 साल जो हमारी आज़ादी के पूर्ण हो रहे हैं, उसी का सेलिब्रेशन पूरे देश भर में कांग्रेस कर रही है। उसी क्रम में आज किराड़ी जिले में भाई सुरेंद्र कुमार जी के नेतृत्व में आदरणीय हमारे उदित जी हैं, उदित राज साहब यहाँ पर हैं, भाई किशन जी हैं, अनूप जी हैं, और यहाँ का जो पूरा नेतृत्व है उनके सहयोग से आज हम ये गौरव यात्रा दिल्ली के किराड़ी विधानसभा किराड़ी डिस्ट्रिक्ट के बवाना और जो हमारा किराड़ी विधानसभा है